फॉर 21 मई 2021 फाइनेंशियल ईयर। पहला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करने नीचे आया है, यहाँ से 11,320 के ऊपर फॉलो थ्रू मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड 11,800 और 12,200 के बनेंगे। अगला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है कोफोर्ज का। कोफोर्ज में भी यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म हुआ है कल के हाई वॉल्यूम सेल ऑफ के बाद, तो यहाँ एक डाउनवर्ड थ्रस्ट 3217 तक मिल सकता है और इस जोन में रिजेक्शन पर लॉन्ग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड 3527 का बनेगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है SBIN का। SBIN में रेगुलर सेकेंड डे इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म हुआ है, 3 दिन का स्मॉल पिनेंट फॉर्मेशन है इस जोन के इस मेजर रेजिस्टेंस के आसपास, तो प्रोबेबली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है और अगर हमें 2-day high 392 के ऊपर फॉलो थ्रू मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड 410 के आसपास बनेगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है जी लिमिटेड का। जी लिमिटेड में इस बड़े सेल ऑफ कैंडल के बाद से पूरा एक्शन उसके अंदर ही चल रहा है, तो कल के सेशन में 188 के नीचे फॉलो थ्रू मिलता है तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं 180 के लिए। वहीं 197 के ऊपर फॉलो थ्रू मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं 202-203 तक का टारगेट लेते हुए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।